यानी रियलिज्म और फेमिनिज्म हम लोगों का हो गया था, ठीक है। आ गए सब लोग नमाज से? हाँ जी, नमाज पढ़ते हैं। बच्चों 3 मिनट तक शुरू करते हैं, 3-4 मिनट तक शुरू करते हैं, कुछ लोग नमाज से भी वापस नहीं। एग्जैक्ट 15 पे शुरू करते हैं, जा रहा हूँ। जी फिर बहनों भाइयों शुरू करें। सब लोग आ गए, जी शहबाज। जैसे हमने क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म इकट्ठी पढ़ी थी, ऐसे ही हम क्लासिकल आइडियलिज्म और नियो लिबरलिज्म भी इकट्ठे पढ़ते हैं। रेफरेंस नोट कर लीजिए, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 58 टू 69, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 58 टू 69, ठीक है। ये इस एरिया का रेफरेंस है, ठीक। मेरे बहनों भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम रियलिज्म की अजम्पशन की थी, ठीक है। तो अब हम पहले लिबरलिज्म और आइडियलिज्म की अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। तो शहबाज कहानी जरा समझिएगा, ठीक है। वन लाइनर कॉन्सेप्ट जरा समझिए शहबाज। लिबरलिज्म या आइडियलिज्म स्टैंड्स इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन थी ह्यूमन ईगोइज्म। क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन क्या थी? ह्यूमन ईगोइज्म, ठीक है। इंसान इगोइस्टिक है, इंसान सेल्फिश है, इंसान इमोरल है, इंसान कंपेटिटिव है, ठीक है। तो क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक है। उसकी ह्यूमन ईगोइज्म है, लेकिन क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म। ह्यूमन अल्ट्रुइज्म का मतलब यह है कि ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर, ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव बाय नेचर, एंड ह्यूमंस आर मॉरल बाय नेचर, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन ईगोइज्म, ठीक है। ऐसे ही क्लासिकल आइडियलिज्म की अजम्पशन है ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक है। ईगोइज्म का मतलब यह है ह्यूमंस आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर कंपेटिटिव, ह्यूमंस आर इमोरल। जबकि अल्ट्रुइज्म की मतलब यह है कि ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव, ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर मॉरल, ठीक है, ह्यूमंस आर ट्रस्टवर्दी इन नेचर, ठीक है। तो एक अजम्पशन आ गई ह्यूमन ईगोइज्म और दूसरी की अजम्पशन आ गई ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, ठीक हो गया मेरे बहनों भाइयों। अगली चीज जरा समझेगा, ठीक है। क्लास नियो रियलिज्म की अजम्पशन थी इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर। शहबाज नियो रियलिज्म की अजम्पशन क्या थी? इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर का क्या मतलब था? एन एनवायरमेंट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट शेप्ड बाय अनइक्वल कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड अब्सेंस ऑफ आ ग्लोबल सॉवरन, ठीक है। तो अगर नियो रियलिज्म की अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, तो नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? बच्चों प्लीज पार्टिसिपेट करो, नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या होनी चाहिए? अहमद क्या अपोजिट? करण जौहर, इसकी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? ग्लोबल पीस, ठीक है। देर मास भी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं कह रहा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 4 ग्रेट डिबेट्स ऑफ आया पढ़ाई थी, तो 3rd ग्रेट डिबेट की अप्रोच क्या थी?
थर्ड ग्रेड डिबेट की अप्रोच क्या थी? पॉजिटिविज्म। राफिया बेटा, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर कंसेंसस हो जाए। ठीक हो गया? तो यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। नियो रियलिज्म की अजम्पशन है इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर, और नियो लिबरलिज्म की भी अजम्पशन है इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर। मीनिंग दैट के नियो स्कूल के अंदर अजम्पशन के लेवल पे पॉजिटिविज्म एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों स्कूल एग्री करते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर दुनिया की रियलिटी है, स्टेट्स को इंटरनेशनल अनार्की के एनवायरमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक हो गया? इन शॉर्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल लेवल पे, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर अजम्पशन के लेवल पे ही दोनों स्कूल्स वेरी कर गए, जबकि नियो स्कूल के अंदर अजम्पशन के लेवल पे दोनों स्कूल एग्री कर रहे हैं। चुनाचे नियो स्कूल दोनों की अजम्पशन इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब शहबाज, एक बात मेरी नोट करी दिल पे, जब मल्टीपल स्कॉलर्स किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते तो उस पॉइंट को कहते हैं वेरिएंट ऑफ अ थॉट या वेरिंग थॉट। जिस आर्गुमेंट के ऊपर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, मल्टीपल स्कॉलर्स, मल्टीपल स्कॉलरिस्टिक ग्रुप्स कंसेंसस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं वेरिएंट ऑफ अ थॉट। और जिस पॉइंट के ऊपर सारे स्कूल्स यूनैनिमस एग्रीमेंट करते हैं उसे कहा जाता है पॉजिटिव ऑफ अ थॉट। उसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव ऑफ अ थॉट। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गया? चुनाचे क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल थ्योरीज अजम्पशन के लेवल पे वेरिएंट ऑफ थॉट हैं, जबकि नियो थ्योरीज अजम्पशन के लेवल पे पॉजिटिव ऑफ अ थॉट है? या अहमद, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लासिकल स्कूल अजम्पशन के लेवल पे ही डाइवर्ज कर रहा है, जबकि नियो स्कूल अजम्पशन के लेवल पे कन्वर्ज कर रहा है? यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? Assumptions क्लियर हो गई? Assumptions सब लोगों को क्लियर? कंपेरेटिव डोमेन में क्लियर? यार आज तुम लोगों की क्लास जो है ना बिल्कुल पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो राफिया, अगली बात जरा समझ ली, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा गौर से जरा समझना है। ठीक है? नाउ देयर इज एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव जिसे आप कोऑपरेशन, कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ आईआर कहते हैं, यानी एक ब्रॉड लेवल राफिया पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है, वो पर्सपेक्टिव क्या है? एक ब्रॉड लेवल पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव क्या है? कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल। अब ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि दुनिया में पीस पॉसिबल है। जो रियलिस्ट कहते हैं कि आप अनार्की को ओवरकम नहीं कर सकते, आप सिक्योरिटी डायलेमा को ओवरकम नहीं कर सकते, आप लैक ऑफ ट्रस्ट की फीलिंग को ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है, तो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि पीस पॉसिबल है, प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है और कोऑपरेशन पॉसिबल है। आगे सारी स्टेट्स मिलके मल्टीलेटरली, मल्टीलेटरलिज्म के तौर पे आपस में कोऑपरेशन करेंगे तो उस कोऑपरेशन के जरिए पीस और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है। इस ब्रॉडर थॉट को क्या कहा जाता है? आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। इस ब्रॉडर थॉट को क्या कहा जाता है? आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। यानी
जो पर्सपेक्टिव दुनिया के अंदर ये आइडिया पिच करता है कि दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन को म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए अचीव किया जा सकता है, कॉमन एफर्ट के जरिए कॉमन एफर्ट के जरिए ठीक है अचीव किया जा सकता है। इस पर्सपेक्टिव को कहा जाता है सुमेरा बेटा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में राफिया बेटा दो थ्योरीज है, एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म और एक कहलाती है नियो लिबरलिज्म। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव एक पर्सपेक्टिव है नवाब, उस पर्सपेक्टिव के अंदर दो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, एक थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। एक थ्योरी क्या है? क्लासिकल आइडियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं और नियो लेवल पे इसे लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं? नया टेल, नया कैन बड़ा, नया टेल 1 2 3। ठीक है, क्लासिकल लेवल पे इसे आइडियलिज्म क्यों कहते हैं और नियो लेवल के ऊपर इसे लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? सवाल ये है। इसका जवाब ये है मेरे बहनों भाइयों, क्लासिकल लेवल पे आइडियलिस्ट स्कूल की अजम्पशन क्या है? ह्यूमन अल्ट्रुइज्म, इंसान की नेचर फ्लॉलेस है, इंसान की कोई गलती नहीं, इंसान दूध से धुला हुआ है, इंसान जैसी अशरफुल मखलूकात दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। ठीक हो गया, इंसान मॉरल इन नेचर है, इंसान कोऑपरेटिव बाय नेचर है, इंसान की नेचर फ्लॉलेस है। क्या ये अजम्पशन इटसेल्फ रियलिटी पे बेस कर रही है या आइडियलिज्म पे बेस कर रही है? ये यूटोपिया है या ये रियलिटी है? ये यूटोपिया है, ये खाम ख्याली है ना? ठीक हो गया, अथोपिया नहीं है, यूटोपिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अभी नेटिव फीलिंग है ना शहबाज, जबकि नियो नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन क्या है? नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन है कि दुनिया में इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन दुनिया में किस स्ट्रक्चर में मसला है? लैक ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, ये आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, ये रियलिटी के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन आपको उस अनार्किक स्ट्रक्चर को ओवरकम करने के लिए आपको लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजॉरिटी कंसेंसस को प्रमोट करना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा, लिबरल ओरिएंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, आपको डायलॉग को प्रमोट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो मसला है, लेकिन मसले को हल करने के लिए पावर पॉलिटिक्स का नैरो पर्सपेक्टिव नहीं चलेगा, बल्कि कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स का लिबरल पर्सपेक्टिव प्रिवेल करना चाहिए, लिबरल पर्सपेक्टिव प्रिवेल करना चाहिए। ठीक हो गया, तो नियो लिबरलिज्म को लिबरलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया की अनार्किक स्ट्रक्चर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये कह रहा है कि आपको इस रियलिटी के अंदर वे आउट निकालना पड़ेगा थ्रू लिबरल ओरिएंटेशन, मीनिंग दैट थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू ट्रेड, थ्रू कंसेंसस, थ्रू डायलॉग, थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू अकोमोडेशन, ठीक है, थ्रू लिबरल वैल्यूज वगैरह 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 वगैरह। तो मेरा बेटा ये समझ आ गया कि क्लासिकल लेवल पे हम इसे लिबरलिज्म क्यों नहीं कहते? सुमेरा क्या नहीं समझ आया? वो तो आगे आ जाएगा ना यार, अभी तो हम सिर्फ ये अजम्पशन कर रहे हैं।
साइमा तू लाइक है, तू अकलमंद है, तेरे जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी कोई नहीं। ठीक हो गया? ये रियलिटी है या ये आइडियलिस्ट परस्पेक्टिव या ये यूटोपिया है? अब तूने कहा ना कि रियलिटी है, इसीलिए तुझे समझ नहीं आई, तेरी अकल मोटी है। यूटोपिया है ना, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उनकी अजम्पशन क्या है? यूटोपियन। वो रियलिटी के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए उसे क्लासिकल आइडियलिज्म कहता है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? साइमा तेरा दिमाग खराब है, तुझे बाकी के साथ कंपटीशन का सामना है, तुझे जिंदगी में मसले होंगे, ठीक हो गया, तुझे जगह जगह पे लोग तंग करेंगे, लेकिन तुझे दुनिया के साथ चलने के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तुझे लिबरल एटीट्यूड फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ आ गई दंगर? सारे के सारे मलंग मुझे ही टकरे हो। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? तो अब सुमेरा मारिया बेटा, यहां पे एक गुगली है, यहां पे एक गुगली है, उस गुगली को जरा समझना। अब अगर वो उसने 2018 में एक सवाल दे दिया, सोने बेटा सवाल जरा समझी, 2018 में उसने एक सवाल दे दिया, वह सवाल ये था कि व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड हाउ दिस पर्सपेक्टिव कैन हेल्प इन अचीविंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन एट ग्लोबल लेवल। सवाल समझ आ गया? व्हाट इज आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, हाउ दिस पर्सपेक्टिव कैन हेल्प इन अचीविंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन एट ग्लोबल लेवल। अब जैसे ही लव्स पड़ा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, सॉरी बेटा, जैसे ही लव्स पड़ा आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो 99% लोग पेपर में लिखाए क्लासिकल आइडियलिज्म और बाहर आके कहा पेपर चौकस हुआ, माहौल नहीं बनाया भाई, भाई छिक नहीं आया काम। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव में दोनों थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। तो आपने पेपर में फैजान खास तौर पे गौर करना है कि वो टर्म आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है या क्लासिकल आइडियलिज्म इस्तेमाल कर रहा है। अगर क्लासिकल आइडियलिज्म इस्तेमाल कर रहा है तो आप सिर्फ इसे एड्रेस करेंगे, जबकि अगर वो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पूरे पर्सपेक्टिव यानी क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यूलिबरलिज्म दोनों को डिस्कस करेंगे। मीनिंग दैट कि आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंडर दो थ्योरीज हैं, एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक कहलाती है न्यूलिबरलिज्म, एक कहलाती है क्लासिकल आइडियलिज्म, एक कहलाती है नियो लिबरलिज्म। अहमद ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरे बहन भाई नहीं राफिया बेटा, राफिया मैंने बड़ी डिटेल में बताया था ना। हाँ, अगर राफिया वो कह दे रियल पॉलिटिक मॉडल, तो फिर तूने रियल पॉलिटिक पावर पॉलिटिक्स को इंडिविजुअल और स्टेट लेवल दोनों पे डिस्कस करना। अगर वो पावर पॉलिटिक्स मॉडल बोलते, यानी अगर वो मॉडल की बात करे तो दोनों थ्योरीज डिस्कस करनी है, पर्सपेक्टिव की बात करे दोनों थ्योरीज डिस्कस करनी है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल थ्योरी का नाम ले तो वो वाहिद थ्योरी डिस्कस करनी है। राफिया बेटा समझ आ गई? अगर वो पर्सपेक्टिव पावर पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव या पावर पॉलिटिक्स मॉडल की बात करें तो दोनों थ्योरीज, ठीक हो गया? अगर वो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव या कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल की बात करें तो दोनों थ्योरीज, लेकिन अगर वो इंडिविजुअली थ्योरी का नाम ले तो एक थ्योरी, ठीक हो गया? इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज अ डिफरेंट थ्योरी, ये न्यू लिबरलिज्म का एक पर्सपेक्टिव है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरे बहनों भाइयों,
जैसे मैंने पिछली क्लास में ये नवाल ने क्या बोला है मुझे नहीं समझ आई यार आज, या तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे पढ़ाना है, या तुम सारे हाई हो आज। अम्मी मुझे पानी का किसी को बोलिए। तो कौन सी सस्ती पी रहे हो आजकल? अच्छा अब मेरे बहनों भाइयों, जिससे पिछली क्लास के अंदर मैंने रियलिज्म बताया था ना, जैसे पिछली क्लास में मैंने रियलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव बताया था, ऐसे ही अब मैं आइडियलिज्म का पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की पहली थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। सुनिए बेटा तेजी से जरा सुन, क्लास आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की पहली थ्योरी है क्लासिकल आइडियलिज्म। ये इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी है, ये फर्स्ट ग्रेड डिबेट की थ्योरी है, और ये अज्यूम करती है कि ह्यूमंस आर अल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर। क्लासिकल आइडियलिज्म इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी है, फर्स्ट ग्रेड डिबेट की थ्योरी है, और ये अज्यूम करती है कि ह्यूमंस आर अल्ट्रुइस्टिक बाय नेचर। ठीक है सोनी बेटा। अब ये कहता है कि इंसान में कोई मसला नहीं है, इंसान ठीक है इनहेरेंटली अल्ट्रुइस्टिक है, वो गुड बाय नेचर है, वो मॉरल बाय नेचर है, वो कंपेटिटिव बाय नेचर, कोऑपरेटिव बाय नेचर। मसला ये है कि पॉलिटिक्स में ह्यूमन को एंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि मीन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ह्यूमंस आर नॉट ट्रीटेड एज मीन, ह्यूमन आर ट्रीटेड एज मीन रादर देन एंड। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि स्टेट की कैपेबिलिटीज के लिए होती है। ठीक है, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स इंसानों के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि पावर के गिर्द, इंटरेस्ट के गिर्द घूमती है। ठीक है, तो सोनी बेटा इस लाइन का मतलब क्या है कि ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज मीन रादर देन एंड्स। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज इंसानों की तरफ डाइवर्ट होने चाहिए, इंसानों की वेलबींग, इंसानों की वेलफेयर, इंसानों के लॉ एंड ऑर्डर, इंसानों के जस्टिस, इंसानों की एजुकेशन, इंसानों के हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज खर्च होने चाहिए, वो रिसोर्सेस खर्च किए जाते हैं गोरी पे, बारूद पे, दरूद पे, F-16 पे, स्टेट कैपेबिलिटीज पे। यानी पॉलिटिक्स के अंदर ह्यूमंस को एंड के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि ह्यूमंस को एक्सप्लॉइट करके स्टेट की कैपेबिलिटीज को फोकस किया जाता है। जिसकी बुनियाद पे होता क्या है, होता यह है कि सोसाइटी के अंदर ठीक है रिसोर्सेस की कमी हो जाती। जब ह्यूमंस के पास अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस की कमी हो जाए जो जाती है, तो इंसानों को अपने सर्वाइवल के लिए लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से इमोरल होना पड़ता है। यानी ह्यूमंस आर फोर्स्ड टू डिमोन्स्ट्रेट या अडॉप्ट द पाथ ऑफ पावर पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस मिनिमम हो गए। क्यों मिनिमम हुए? क्योंकि जो रिसोर्सेस इंसानों की तरफ डाइवर्ट होने चाहिए थे, वो स्टेट की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की तरफ डाइवर्ट हो रहे। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह से इंसान जो बजाती तौर पे तो अच्छा है, उसे इमोरल कंपेटिटिव बिहेवियर को डिमोन्स्ट्रेट करने पे मजबूर करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये कहते हैं कि पूरे का पूरा मसला ये है कि स्टेट फोकस
ठीक है, स्टेट की कैपेबिलिटीज की तरफ है ये फोकस, स्टेट रीओरियंट करके ह्यूमन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस की तरफ होना चाहिए, यानी पॉलिटिक्स का फोकस डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की बजाय, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की बजाय, ये स्टेट का फोकस, पॉलिटिक्स का फोकस रीओरियंट करके ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, यानी रीओरियंट करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिसके जरिए एंड गोल क्या हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक हो गया अब मेरे बहनों भाइयों, पीछे से लिंक करो सहमा बेटा, इंडिया की हकूमत इंडियंस पे फोकस नहीं कर रही बल्कि वो स्टेट की कैपेबिलिटीज पे फोकस कर रही। पाकिस्तान की हकूमत पाकिस्तानी शहरियों पे फोकस नहीं करी बल्कि गोरी शोरी पे फोकस करी, जिसकी बुनियाद पे इंडिया में पावर्टी है, पाकिस्तान में पावर्टी है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में क्राइम है, पाकिस्तान में क्राइम है, और ये सारा इसलिए है क्योंकि इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिट किया जा रहा है। कैसे? वाया वाया, ठीक है, डाइवर्टिंग फोकस फ्रॉम द कोर। और वो डाइवर्जन क्या है कि ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने की बजाय कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है। तो ये कहता है कि अगर ये फोकस रीओरिएंट हो, इंडिया के लोगों को भी डेवलप किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को भी डेवलप किया जाए, इंडिया की हकूमत इंडिया के लोगों को अच्छी तालीम दे, पाकिस्तान की हकूमत पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तालीम दे, अच्छी सेहत दे, इंसाफ दे। तो ये कहता है कि जब ह्यूमन डेवलप होंगे तो इंसानों में शऊर आएगा, आगही आएगी, तो सोसाइटी लेवल के ऊपर आफिया बेटा एक फीलिंग आएगी, एक सेंटिमेंट आएगा, एक प्रेशर आएगा कि वॉर कभी भी इंसानों के फेवर में नहीं थी, वॉर कभी भी ह्यूमन के बेनिफिट में नहीं थी। चुनाचे जब ह्यूमंस डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली रैशनैलिटी एमर्ज करेगी। ठीक हो गया, ह्यूमंस डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल ग्लोबल कंसेंसस डेवलप करेगा, सोसाइटी लेवल के ऊपर एक थॉट प्रिवेल करेगी कि म्यूचुअल एफर्ट के जरिए पीस को लाया जाए, और अगर मल्टीपल सोसाइटीज मिलके ह्यूमंस को इंटीग्रेट कर दें तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और कोऑपरेशन की फिजा ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैं और राफिया कहेंगे कि भाई आज तक ना मैं 65 से कुछ मिला, ना 71 से मिला, ना कुछ कारगिल से मिला, अब कभी दीपिका इधर, कभी हसन अली गोदल उधर, आणिया जाणिया माहौल कुपियां टुन। तो ये कहता है कि अगर पॉलिटिक्स का फोकस स्टेट कैपेबिलिटीज की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ह्यूमंस लेवल पे इनलाइटनमेंट आएगी। सो मेरा बेटा मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, इनलाइटनमेंट, शऊर। और जब ह्यूमन सोसाइटी के लेवल पे शऊर आएगा तो सोसाइटल लेवल से, ठीक है, कोऑपरेशन की डिमांड बढ़ेगी, कंसेंसस की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डायलॉग की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कोऑपरेशन की डिमांड बढ़ेगी, इंटरमिंगलिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स जब ह्यूमन सेंटर्ड हो जाएगी तो दुनिया पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो क्लासिकल आइडियलिज्म ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमंस अपनी नेचर के मुताबिक ऑपरेट करें तो पॉलिटिक्स का फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ करना पड़ेगा, ना कि स्टेट कैपेबिलिटीज की तरफ। और ह्यूमन डेवलपमेंट ही सोसाइटी लेवल के ऊपर इनलाइटनमेंट ला सकती है, और वो इनलाइटनमेंट, ठीक है, लेटर ऑन, ठीक है, ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेयरनेस, ठीक है, डिमांड फॉर कोऑपरेशन, डिमांड फॉर पीस को जन्म दे सकती है। तो ये कहता है कि जब
तक आप पॉलिटिक्स का फोकस ह्यूमन सेंटर्ड नहीं करोगे, आइडियल्स ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन को अचीव नहीं किया जा सकता। मीनिंग दैट के राफिया बेटा, विदाउट इनलाइटनमेंट एट ह्यूमन लेवल यू कैन नॉट क्रिएट, ठीक है, कोऑपरेशन एट ग्लोबल लेवल। और इनलाइटनमेंट एट ह्यूमन लेवल का प्रीरेक्विजिट क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स, रीओरिएंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स फ्रॉम बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटीज टू बिल्डिंग ह्यूमन पोटेंशियल। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरे का पूरा क्लासिकल आइडियलिज्म का आइडिया चौकस हो गया। अगर चौकस हो गया तो ठोको ताली। आगे चलो मेरे बहनों भाइयों। अच्छा जी, अच्छा मेरे बच्चों, नवाल यहां पे ना फर्स्ट ग्रेड डिबेट के बाद एक डब्बा ऐड कर ले ट्रेडिशनलिज्म, ताकि अप्रोच भी आ जाए। यहां पे एक डब्बा ऐड कर ले ट्रेडिशनलिज्म, डन हो गया। आगे चलूं, अब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की मैं दूसरी थ्योरी पे आने लगा। दूसरी थ्योरी है नियो लिबरलिज्म। दूसरी थ्योरी क्या है नवाल पुत्र? नियो लिबरलिज्म। ये स्टेट लेवल की थ्योरी, ठीक नवाल, ये थर्ड ग्रेड डिबेट की थ्योरी, इसके बाद डब्बा ऐड करो, ये पॉजिटिविज्म या फंक्शनलिज्म अप्रोच की थ्योरी, इसकी अजम्पशन इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। इसकी अजम्पशन क्या है? इसकी अजम्पशन है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है सुमेरा। अब ये कहता है कि दुनिया में इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर है, ठीक, और नवाल बेटा उस अनार्की को ओवरकम करने के लिए स्टेट्स पावर पॉलिटिक्स का मॉडल फॉलो करती है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स के मॉडल को जब फॉलो करती हैं तो वो मसले को हल नहीं कर पाता, बल्कि वो दुनिया को पुश करता है इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ पावर। अब मारवी, अगर तूने मेरे से पूछा ना कि सर विशियस साइकिल ऑफ पावर बता दें, तो मैं तुझे कुटूंगा। बस समझ आई नहीं? ठीक है, ये कहता है कि अनार्की को रिड्यूस करने के लिए स्टेट्स पावर पॉलिटिक्स का साइकिल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पावर पॉलिटिक्स मसले का हल नहीं है, बल्कि ये लीड करता है टू अ ग्लोबल विशियस साइकिल ऑफ पावर। ठीक है, अब ये कहता है कि इस विशियस साइकिल को अवॉइड करने के लिए आपको, ठीक है, आपको लिबरल अप्रोच की जरूरत है। किस अप्रोच की जरूरत है? पावर पॉलिटिक्स की बजाय लिबरल अप्रोच की जरूरत है। और लिबरल अप्रोच का क्या मतलब है? कि अनार्की को खत्म करने के लिए पावर पॉलिटिक्स का पाथ बनाने की बजाय अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, यानी मल्टीलेटरल फोरम्स बनाओ, इंटरनेशनल लॉज बनाओ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करो, यूएन बनाओ, आसियान बनाओ, सार्क बनाओ, ठीक है, सार्क बनाओ। बात समझ आई नहीं? यानी मसलों को मल्टीलेटरली हल करने के लिए अच्छे अफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाओ, और स्टेट्स को आपस में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में लाने के लिए ट्रेड बढ़ाओ। तो ये कहता है कि जब ट्रेड बढ़ेगा और जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी, तो
एक स्टेट्स की आपस में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है, स्टेट की आपस में, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली स्टेट अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है, एंड गोल ऑफ कोऑपरेशन की तरफ चल पड़ेंगे थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड थ्रू ट्रेड। और एंड गोल पे क्या होगा कि जब इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ट्रेड होगा, इंटरडिपेंडेंसी ग्रो करेगी, तो ऑटोमेटिकली स्टेट्स पीस और प्रॉस्पेरिटी के साइकिल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कहानी समझ आ गई? तो ये कहता है कि भाई विशियस साइकिल ऑफ पावर की बजाय आपको लिबरल अप्रोच थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड का पाथ फॉलो करना पड़ेगा ताकि स्टेट्स आपस में इंटरडिपेंडेंसी के सिंड्रोम के अंदर प्लगइन हो और उस इंटरडिपेंडेंसी के जरिए पीस और प्रॉस्पेरिटी को, कंसेंसिस को, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। यहां तक कहानी समझ आ गई? अब सोनी बेटा, सोनी बेटा, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की जब बात होगी ना, तो तुम लोगों ने, जब आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात होगी ना, तो तुम लोगों ने ये पूरे का पूरा मॉडल डिस्कस करना है, सिर्फ क्लासिकल आइडियलिज्म डिस्कस नहीं करना। कहानी समझ आ गई? अब प्लीज, तुमने इस स्लाइड का डिजाइन गौर से नहीं देखा, ठीक है? इस स्लाइड में मैं एक ही गो में दोनों थ्योरीज पढ़ा गया और मैंने दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन भी कर दिया, ठीक हो गया? या लेवल, ग्रेडिबेट अप्रोच, अजम्पशन, प्रॉब्लम, अफेक्ट, फोकस, रिक्वायरमेंट, एंड गोल, ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? तो दोनों थ्योरीज के दरमियान कंपैरिजन बिल्ड हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हमने, ठीक है, ठीक, काफी बेटा, मुझे आखिर में ये बता कि हमने रियलिज्म के अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या की थी? हमने रियलिज्म के अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या की थी? पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर परसूट ऑफ पावर फॉर द अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। डन हो गया? क्लियर हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, इस के अकॉर्डिंग, यानी आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव कोऑपरेशन पॉलिटिक्स मॉडल के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर परसूट ऑफ कोऑपरेशन। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर परसूट ऑफ कोऑपरेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो वहां पे क्या था? परसूट ऑफ पावर। यहां पे क्या है? परसूट ऑफ कोऑपरेशन। और वहां पे क्या था? फॉर अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यहां पे क्या है? फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इंडिविजुअल लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। और स्टेट लेवल पे कॉमन इंटरेस्ट क्या है? कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन डन है? अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है राफिया, कि हमने नियो लिबरलिज्म के अंदर, नियो रियलिज्म के अंदर किस स्कॉलर के मॉडल को पढ़ा था? हमने
नियो लिबरलिज्म, केनेथ वॉल्ट्स। ठीक, तो मेरे बहनों भाइयों, क्लासिकल आइडियलिज्म का जो सबसे बड़ा स्कॉलर है वो है जॉन, जॉनी भाई, जॉन लोकी, जॉन लोकी। डन। क्लासिकल आइडियलिज्म का पूरे का पूरा आइडिया किसका है? जॉन लोकी का। डन हो गया। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों, नियोलिबरलिज्म के अंदर जो सबसे बड़ा मॉडल है वो है इमैनुअल कांट का। कांटा लगा, ठीक है, इमैनुअल कांट। डन हो गया। तुम्हें स्कॉलर्स क्लियर हो गए? डन बेटा। अब राफिया, लिबरलिज्म के अंदर जो सबसे ज्यादा मॉडल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कैंटियन परपेचुअल पीस ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं? कैंटियन परपेचुअल पीस ट्रायंगल। डन हो गया राफिया। अब राफिया, लव्स परपेचुअल का क्या मतलब होता है? लॉन्ग लास्टिंग, एवर पेनिट्रेटिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एवर पेनिट्रेटिंग, ऐसा ही है। अब शहबाज जरा समझी, ठीक है, जिन लोगों को नेवर एंडिंग, जिन लोगों को नहीं समझे, शादी के बाद शुरू शुरू में तुम्हारी भाभी ने मुझे थोड़ा सा जलील किया, वक्त गुजरा मेरी जलालत और बढ़ी, और वक्त गुजरा मेरी जलालत और बढ़ी, और वक्त बड़ा गुजरा तो मेरी जलालत क्या हो रही है? मेरी जलालत परपेचुएट कर रही है। साइमा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं इन डंगरों को समझाने के लिए समझा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, लव्स परपेचुअल आद के बाद तो नहीं भूलेगा, एवर इंक्रीजिंग। ठीक हो गया। अब काफिया, कहानी जरा समझी। अब इमैनुअल कांट का मॉडल क्या है कि कैसे दुनिया के अंदर पीस परपेचुएट कर सकता है, यानी हर गुजरते दिन के बाद पीस के डिविडेंड्स, पीस का प्रोसेस, पीस मेकिंग की एक्टिविटीज कैसे पेनिट्रेट कर सकती है। काफिया बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, अब परपेचुअल पीस ट्रायंगल के अंदर, परपेचुअल पीस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, जो इमैनुअल कांट ने कॉन्सेप्ट दिया उसने कहा कि तीन तरह की लिबरलिज्म, तीन टाइप्स की लिबरलिज्म, जब सिमल्टेनियसली इन कंकरेंस ऑपरेट करेंगी सिर्फ तभी लिबरल मॉडल कामयाब हो सकता है और पीस परपेचुएट कर सकता है। राफिया मेरे बच्चे, ये बात समझ आ गई? सिर्फ तब पीस पर, पीस परपेचुएट कर सकता है, तीन चीजें इकट्ठी होंगी। अब उसमें से एक लिबरलिज्म की टाइप है जिसे आप लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरल
इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहते हैं? डन हो गया, डन हो गया। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं, पहली टाइप को क्या कहते हैं, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। दूसरा है जिसे आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं या रिपब्लिकन लिबरलिज्म कहते हैं या डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं। डन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, डन हो गया। तीसरी चीज है लिबरल कमर्शियलिज्म, ठीक है, जिसे आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म कहते हैं। सुनिए बेटा, तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट कितनी टाइप की लिबरलिज्म है? तीन टाइप की, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म और लिबरल कमर्शियलिज्म। डन हो गया, तीनों फॉर्म डन हो गई। अब मैं तीनों समझाने लगा हूं अहमद, ठीक है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? स्टेट्स आपस में अपने मसलों को हल करने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसे आप मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं, मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं। सही मैं बेटा, बात समझ आ गई? यानी मामलात को यूनिलेटरली पावर के जरिए हल करने की बजाय मामलात को मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर हल किया जाए, मामलात को, ठीक है, मामलात को मल्टीलेटरल मल्टीलेटरलिज्म के जरिए हल किया जाए, अच्छे अफेक्टिव मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, ठीक है, अच्छे अफेक्टिव, ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाए, मीनिंग दैट यूएन, आसियान, सार्क, एसईओ जैसे अदारे बनाए जाएं जहां पे स्टेट्स इंडिविजुअल एफर्ट की बजाय कलेक्टिव एफर्ट के जरिए मसलों को हल करने की कोशिश करें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर दो, लिबरल इंटरनेशनलिज्म या रिपब्लिकन लिबरलिज्म क्या है? रिपब्लिकन लिबरलिज्म क्या है? ठीक हो गया, रिपब्लिकन लिबरलिज्म बोथ रीजनल या नॉन रीजनल, सुल्तान, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो रीजनल लेवल पे हो सकती है, वो ग्लोबल लेवल पे हो सकती है, रीजनलिज्म हो सकता है, ग्लोबलिज्म हो सकता है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है लिबरल इंटरनेशनलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म में क्या है कि विद इन स्टेट्स और अमंग स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जाए, मेजॉरिटी कंसेंसस को प्रमोट किया जाए, डायलॉग को प्रमोट किया जाए, ठीक हो गया। माइनॉरिटी क्लास मेजॉरिटी के ओपिनियन को बुलडोज करने की कोशिश ना करें, डेमोक्रेटिकली, ठीक है, बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए ग्लोबल कंसेंसस को डेवलप किया जाए, मीनिंग दैट कि स्टेट्स के अंदर भी और इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के फोरम के लेवल पे भी, ठीक है। सुल्तान अभी सिर्फ कहानी समझ, मैं तुझे एग्जांपल्स देता हूं डंगर आदमी, ठीक हो गया। आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करो, जब तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं आएंगी तब तक हेजिमोनिक इंटरवेंशनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट, ठीक है,
डिक्टेटोरियल इन्फ्लुएंस ऑफ दी पावरफुल या मेजर पावर वो हमेशा रहेगा। तो ये कहता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक कल्चर को प्रमोट किया जाए। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तीसरी चीज क्या है? लिबरल कमर्शियलिज्म या इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। ये कहता है कि स्टेट्स आपस में फ्री ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को, फ्री मार्केट को, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, फूड चेन्स को, ई कॉमर्स को, मीनिंग दैट के लिबरल इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी लाई जाए, ट्रेड कनेक्टिविटी लाई जाए, फिस्कल कनेक्टिविटी लाई जाए, करेंसी कनेक्टिविटी लाई जाए, यानी इकोनॉमी की मद में स्टेट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी, ट्रेड, कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी को ग्रो किया जाए। ठीक है, सुल्तान, तीन टाइप समझ आ गई? तीन टाइप समझ आ गई? अब मेरे बहनों भाइयों, कांट ने साथ ही ये कह दिया कि भाई ये तीनों के तीनों सिमल्टेनियसली अकर होंगे, तीनों के तीनों सिमल्टेनियसली अकर होंगे तो पीस परपेचुएट करेगा। तीनों सिमल्टेनियसली अकर करेंगे तो पीस परपेचुएट करेगा। अगर इनमें से एक भी लिबरल ओरिएंटेशन मिसिंग होगी तो पीस परपेचुएट नहीं कर सकता है। अब एग्जांपल दूं, एग्जांपल दूं मेरा बच्चा जी, यूएन बन गया, लेकिन राफिया बेटा यूएन के अंदर वीटो पावर डेमोक्रेटिक नॉर्म है या डिक्टेटोरियल नॉर्म है? डिक्टेटोरियल। और क्या यूएन के एजेंडा से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को प्रमोट किया गया? नहीं। तो आप जितना मर्जी यूएन यूएन खेलो, जितना मर्जी यूएन यूएन खेलो, पीस परपेचुएट नहीं कर सकता। डन। सार्क बन गया, लेकिन सार्क डेमोक्रेटिक वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है या डिक्टेटोरियल वैल्यूज पे? और क्या सार्क के अंदर कभी सेफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अफेक्टिव हुआ? क्या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आई? अब इसकी ऑपोजिट मिसाल पे आ जाओ, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, वो बढ़ती बढ़ती यूरोपियन काउंसिल बनी, यूरोप ने अपने बॉर्डर्स खोले, ट्रेड खोला, बैंकिंग सिस्टम खोला, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इस परपेचुअल पीस की सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक, कहना क्या चाहता हूं सोनिया बेटा कि कांट ने ये कहा कि भाई, कांट ने ये कहा कि भाई अगर ये तीनों फॉर्म ऑफ, ठीक है, तीनों फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म सिमल्टेनियसली इन पैरेलल इन कंकरेंस ऑपरेट नहीं करेगी, आप कभी भी अफेक्टिव परपेचुअल पीस को अचीव नहीं कर सकते हो। चौकस हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है, चौकस हो जाना चाहिए अब तक। अब जिन्हें ये समझ आ गया है, वो क्या यूएन के फेलियर को, सार्क के फेलियर को थ्योरेटिकली डिस्कस कर सकता है?
यूरोपियन यूनियन कैसे एक सक्सेस स्टडी है, क्या डिस्कस कर सकते हैं कामिल। लेकिन दूसरी बात, अगर वो पेपर में तुमसे पूछ ले कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, ठीक है, व्हाट आर ठीक है डिफरेंट एंगल्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट कलर्स ऑफ नियो लिबरलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ नियो लिबरलिज्म, तो यही तीन है ना, समझ आइए नहीं है? तो ये टाइप्स, कलर्स, ओरिएंटेशन सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, मैं दोबारा वो सवाल फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर, व्हाट इज द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर, हाउ दिस पर्सपेक्टिव कैन हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कोऑपरेशन एट ग्लोबल लेवल। डन हो गया? डन हो गया? अब राफिया बेटा, मेरी अगली बात पे जरा गौर करिए, मेरी अगली बात पे जरा गौर करिए। ये लिबरल्स इमरान खान की तरह बड़ी बड़ी गप्पें छोड़े कि जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगी, इस कौम की शान बनेगा, नया पाकिस्तान, मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा। सवाल बनता है या नहीं बनता कि भाई बनाएगा कैसे? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? तेरे पास रिफॉर्म प्रोग्राम क्या है? तेरे पास रिफॉर्म एजेंडा क्या है? तो दुनिया के अंदर हर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा? राफिया बेटा, समझ आती है नहीं आती? तो लिबरल्स इतने सुहाने सपने दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, ठीक हो गया, इतनी बड़ी बड़ी गप्पें छोड़े हैं, तो लिबरल से भी ये सवाल बनता है या नहीं बनता कि भाई करोगे कैसे? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? ठीक हो गया? तो इस स्लाइड के ऊपर मैं मोटे मोटे आपको की रिफॉर्म एजेंडास ऑफ लिबरलिज्म बता देता हूं, ठीक है, नियो लिबरल्स का की रिफॉर्म एजेंडा बता देता हूं। नंबर एक, दुनिया के सिक्योरिटी के मसलों को हल करने के लिए ये कहते हैं कि सिक्योरिटी किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, पीस किसी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये सारी स्टेट्स का एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो कहीं पे भी सिक्योरिटी का मसला आ जाए तो स्टेट को यूनिलेटरली एक्ट करने की बजाय कलेक्टिव सिक्योरिटी की अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, जो के यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में डाली गई। नाउ What is the concept of collective security? Arslan, collective security ye hai ke an act of aggression against one, an act of aggression against one would be considered an act of aggression against all, subject to collective action against the aggressor. An act of aggression against one would be considered an act of aggression against all, subject to collective action against the aggressor. कि अगर किसी एक स्टेट के ऊपर कोई हमला करता है तो उसका हमला सारे के सारे इंटरनेशनल पीस पे हमला किया जाएगा और सारी स्टेट्स मिलके उसके खिलाफ कलेक्टिव अलायंस बना के एक्शन लेंगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मसले को हल करने के लिए लिबरल्स कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच को इस्तेमाल किया जाए। नंबर दो सुल्तान, ठीक है, इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर ये कहता था कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुप्रा सॉवरन नहीं है, इसलिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बन सकता क्योंकि लॉ मेकिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो सवाल ये आया कि इंटरनेशनल लेवल पे कानून साजी कैसे की जा सकती है?
तो इन्होंने कहा कि भाई चलो मान लिया कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई मान लिया कि देर इज नो अथॉरिटी ओवर एंड अबव दी स्टेट, लेकिन सारी स्टेट्स बैठे आपस में डायलॉग करें, आपस में निगोशिएशन करें, और पैक्टा सेंट सर्वंडा, पैक्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ, पैक्स नीड टू बी सर्व्ड इन गुड फेथ, पैक्टा सेंट सर्वंडा की स्पिरिट की बुनियाद पे आपस में एग्रीमेंट्स कर लें, आपस में ट्रीटीज कर लें, आपस में कोई ना कोई डिसीजन कर लें। और क्योंकि स्टेट अब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो जब दो स्टेट्स मिल बैठ के फ्री कॉन्सेंट के जरिए किसी मुआहदे के ऊपर अमल करेंगे, तो पैक्टा सेंट सर्वंडा की स्पिरिट की बुनियाद पे दोनों पार्टीज ने, क्योंकि फ्री कॉन्सेंट के साथ, फ्री विल के साथ कॉन्सेंट किया, एग्रीमेंट किया, तो उनके ऊपर मॉरल अथॉरिटी आ जाएगी कि वो अपने एग्रीमेंट के ऊपर अमल करें। तो ये कहता है कि कॉन्सेंट बेस्ड एग्रीमेंट कर लो एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज लॉ, और उस लॉ के अंदर बाइंडिंग फोर्स क्या होगी, ठीक है, गुड फेथ यानी मॉरल बिहेवियर। मॉरल बिहेवियर दोनों स्टेट्स को ये बाउंड करेगा कि यार जब हमने अपनी मर्जी से मुआहदा किया था तो जैसा भी मुआहदा था अब हमें इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमें अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि मसले आएंगे, डिस्प्यूट आएंगे, तो डिस्प्यूट को हल करने के लिए क्या किया जाए, डिस्प्यूट को हल करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई डिस्प्यूट को पैसिफिक वे से जुडिशियल सेटलमेंट के जरिए हल किया जाए। कैसे किया जाए? थ्रू मल्टीलेटरल जुडिशियल फोरम्स, आईसीजे बना दिया जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना दिया जाए, यानी ऐसे अदारे बना दिए जाए जहां के ऊपर लीगल आर्गुमेंटेशन की बुनियाद पे स्टेट्स एक इम्पार्शियल बॉडी के जरिए जुडिशियली अपने मसले को हल कर सके। तो अच्छे अफेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। अगली चीज, सवाल ये आया कमर कि ये जो बड़े बड़े लोगों ने, ठीक है, आर्सनल्स बनाए हुए हैं, न्यूक्स बनाए हुए हैं, सेटअप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मिलिट्री माइट बनाई हुई है, बड़े बड़े आर्म्स के सेटअप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें कैसे किया जाए? तो ये कहता है कि आर्म्स कंट्रोल एंड आर्मामेंट के मुआहदे कर दिए जाए, दोनों पार्टीज बैठे, दोनों ये डिसाइड कर लें कि वेपन्स रखने हैं या नहीं रखने, अगर रखने हैं तो कितने रखने, और इसके ऊपर एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। आर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, आर्मामेंट को खत्म करने के लिए, डी आर्म करने के लिए आपस में एग्रीमेंट कर लो, जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका ने किया, साल स्टार्ट वगैरह वगैरह, जो आप लोगों को मार्च शायद न्यूक्लियर स्टडीज की क्लासों में बता चुका हूं। तो ये कहता है सिक्योरिटी डायलेमा, जब वेपन्स खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देंगे, ठंडे हो जाएंगे, शाम को कहेंगे ले जानी लगा शीशा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, हो गया। तो ये कहता है कि आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट के मुआहदे करके दुनिया को डीवेपनाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, ठीक। और आखिरी चीज इनसे सवाल पूछा गया कि ये जो जगह जगह पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, फलस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, रोहिंग्या का इशू है, म्यांमार का इशू है, कुर्द्स का इशू है, खालिस्तान का इशू है, इन पॉलिटिकल डिस्प्यूट को कैसे हल किया जाए? तो ये कहता है इसके अंदर लिबरल ओरिएंटेशन फॉलो की जाए, आप इसके ऊपर पावर पॉलिटिक्स करने की बजाय लोगों से पूछ लो, ठीक है, कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान में हल करने की बजाय कश्मीरियों से पूछ लो, ठीक है, मेजॉरिटी कश्मीरी जो कहते हैं उन्हें हक़े खुद इरादियत दे दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो हक़े खुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए आप मसले को हल करें। यानी समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, लिबरल्स के दुनिया को रिफॉर्म प्रोग्राम करने के 5 मेन पिलर्स हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ ऑन स्पिरिट ऑफ पैक्टा सेंट सर्वंडा, पैसिफिक जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डीवेपनाइजेशन थ्रू आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट, एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट सेटलमेंट्स थ्रू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जहां पे भी ये 5 लफ्ज आ जाए राफिया पुत्र, राफिया बेटा, जहां पे भी ये 5 लफ्ज आ जाए वहां पे क्या कौन सी थ्योरी लग रही होगी? नियो लिबरलिज्म। अब राफिया बेटा
कान को पकड़ने के दो तरीके कार अहमद, कान को पकड़ने के दो तरीके कार राफिया, मैं कश्मीर इशू का एनालिसिस कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू द लिबरल मॉडल कश्मीर इशू का सलूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द लिबरल मॉडल कश्मीर इशू का सलूशन क्या है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या यूएन ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया? नहीं दिया या नहीं दिया? दिया, मैं जूती उतार लूंगा राफिया, मैं जूती उतार लूंगा। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन ने दिया, यूएन की रेजोल्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी मसला क्यों नहीं हल हो रहा? क्योंकि इंडियन माइंडसेट उसे लिबरल अप्रोच से फॉलो ही नहीं करना चाह रही, वो उसके अंदर पावर पॉलिटिक्स ऑपरेट कर रही है। डन हो गया? डन हो गया? यानी कान को दो तरीकों से पकड़ने का तरीका कार आ गया, सोल्यूशन लिबरल है, लेकिन सोल्यूशन नाकाम क्यों है? क्योंकि अप्रोच रियलिस्ट है, इंडिया की ओरिएंटेशन रियलिस्ट है। डन हो गया मेरा बच्चा? आई होप सो। रिफॉर्म प्रोग्राम, तो जहां पे भी ये पांच लफ्ज आ जाए ठीक है वो लिबरल अप्रोच होगी, लेकिन जहां पे ये पांच अप्रोचेस नाकाम नजर आ रही होंगी उसके पीछे खास क्या होगा? रियलिज्म। डन बच्चों, यहां तक चौकस हो गया? आगे चलूं? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों आखिरी चीज, अब अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कोऑपरेशन ठीक है होगी, आनियां होंगी जानियां होंगी, माहौल होगा, कुटियां होंगी, टुन होगा, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली राफिया मैं और तू कोऑपरेशन के रास्ते पे जा रहे, तो हमारे कोऑपरेशन के रास्ते में कोई फुफिया आएंगी, कोई हीर आएगी, कोई फैजान आएगा, कोई अरसलान आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएंगे ना। तो मेरा बच्चा सुना ठीक है, कोऑपरेशन के रास्ते में हमेशा चैलेंजेस और बैरियर्स आते हैं। हमारा आखिरी कंपोनेंट क्या है कि वो चैलेंजेस और बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, वो चैलेंजेस और बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं। नवाल टॉपिक समझ आ गया मेरा बच्चा? आखिरी टॉपिक समझ आ गया? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों ठीक, देखो मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, क्या सीएसएस के अंदर यूएन रिफॉर्म्स आपका टॉपिक है? क्या सीएसएस के अंदर यूएन रिफॉर्म्स आपका टॉपिक है? ठीक है, क्या इन इफेक्टिवनेस ऑफ यूएन के ऊपर आर्गुमेंट आ सकता है? इन इफेक्टिवनेस ऑफ सार के ऊपर आर्गुमेंट आ सकता है? क्या कहती है नवाब? आ सकता है ना। ठीक है, तो मेरा बच्चा मैं तुम्हें बताने लगा हूं चैलेंजेस या बैरियर्स टू कोऑपरेशन। शीजा बेटा, लेकिन तू इस हेडिंग को तीन एंगल से डिस्कस करेगी, तीन एंगल्स में यूज कर सकती। नंबर एक, वाई रियलिज्म डोमिनेट्स, वाई लिबरलिज्म इज इनइफेक्टिव, ठीक। नंबर तीन, ठीक है, वाई इज यूएन या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इनइफेक्टिव, या नंबर चार, हाउ टू मेक यूएन इफेक्टिव और हाउ टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस। क्लियर हो गया नवाज? इस स्लाइड को तो किस किस एंगल से देख सकती है? डन हो गया? डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों,
चैलेंजेस टू कोऑपरेशन में पहला चैलेंज है फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग क्या होता है सुल्तान कहानी जरा समझिए, कि कोऑपरेशन का कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए, कोऑपरेशन का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, कोऑपरेशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि उसमें कुछ स्टेट्स किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट ना कर रही हूं बल्कि बेनिफिशियरी हूं, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मखसूस स्टेट्स के ऊपर डाल दी जाए। यानी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया जाए कि कुछ स्टेट्स हमेशा बेनिफिशियरी एंड पे रहें और कुछ स्टेट्स हमेशा कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड पे रहें। तो जो सिर्फ बेनिफिशियरी एंड के ऊपर होंगी ऐसी स्टेट्स को क्या कहते हैं? फ्री राइडिंग स्टेट्स। और हमेशा वो फ्री राइडर्स, ठीक है, हमेशा वो फ्री राइडर्स बैरियर टू कोऑपरेशन के तौर पे ऑपरेट करेंगे। उनकी मुफ्त खोरी लार्ज टर्म के अंदर उस पूरे के पूरे कोऑपरेशन के सिस्टम को इंडेंजर करे। सुनिए बेटा, मैं इतना लंबा रिपीट नहीं कर सकता, तू इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कहानी क्लियर हो गया? फ्री राइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फ्री राइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक अनोलॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक अनोलॉजी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। शीजा, शीजा, मैंने, तूने, शहबाज ने, सुल्तान ने आपस में डिसाइड किया कि हमने ग्रुप स्टडी करनी है सीएसएस की तैयारी के लिए। कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बन गया, मैंने, तूने, शहबाज ने और सुल्तान ने मिलकर तैयारी करनी है सीएसएस की। कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बन गया, हमने डिसाइड क्या किया, एक सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट हम चारों पकड़ेंगे, नंबर एक, 5 दिन पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सैटरडे संडे को हम चारों बैठेंगे, जितना हर किसी ने अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ा होगा वो पढ़ाएगा, अपने अपने नोट्स शेयर करेगा, ठीक है। शीजा, सुल्तान, ये तीनों आपस में पढ़ते हैं, पहला हफ्ता आता है, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मुझे नोट्स देते हैं, मुझे पढ़ाने की बारी आती है, तो मेरी पढ़ाने की बारी आती है तो मैं कहता हूं यार इस दफा टाइम नहीं मिला, अगली दफा पढ़ा दूंगा। अगला हफ्ता आता है, मैं कहता हूं कि भाई इस हफ्ते प्लीज माफ कर दो, अगले दफा हफ्ते पढ़ा दूंगा। अगले हफ्ते शीजा कहती है कि सब मनहूस आदमी है, इसकी वजह से हमारा कोर्स खराब हो रहा है। फौरन अहमद उठता है, यार तुम्हें पता नहीं, असल में 3 दिन नौकरियां करते हैं, पढ़ा देंगे तुझे नदीदी, ठीक हो गया। तो मैं अब मुफ्त खो रहा हूं, मेरे अब मुफ्तपन तुम लोगों की कोऑपरेशन के दरमियान रिफ्ट डालेगा, वो रिफ्ट हमेशा बैरियर टू कोऑपरेशन के तौर पे ऑपरेट करेगा। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, एनालॉजी बिल्ड कर दी मैंने, अब मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं, ठीक है मेरे बच्चों। यूएन पीस कीपिंग मिशन है, यूएन के पीस मेकिंग की पीस कीपिंग मिशन है, उनके अंदर आप कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? या तो आप अपने ट्रूप्स दोगे, या फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएसए। कहानी समझ आ गई कामिल? लेकिन यूएन पीस कीपिंग मिशंस कहां भेजने, कहां भी नहीं भेजने, इसका डिसीजन लेता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स में से मेजोरिटी वो मेंबर्स हैं जिनकी ना एक टके की फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना एक टके की ट्रूप्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो मुफ्त के मशवरे देता है। तो अगर हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन की डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव करना है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ वो स्टेट्स होनी चाहिए ना, ठीक हो गया, जो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं दी ओवरऑल
ऑपरेशंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस। यानी समझ आई? तो पाकिस्तान लार्जर टर्म में क्या कहेगा कि भाई जब हमारा डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं है, हमें उसका कोई लार्ज टर्म बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली थू डन। बच्चों फ्री राइडिंग समझ आ गई? ठीक। अगली चीज है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक इकोनॉमी की थ्योरी है जिसे आईआर के इस कॉन्सेप्ट में यूज किया गया। ठीक है, गेम थ्योरी इकोनॉमी की थ्योरी है जिसे ठीक है आईआर के अंदर यूज किया गया। क्लियर हुआ? गेम थ्योरी आईआर की एक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। अब गेम थ्योरी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहलाता है जीरो सम गेम, एक कहलाता है विन विन गेम। राफिया बेटा, एक क्या कहलाता है? जीरो सम गेम, एक कहलाता है विन विन गेम। जीरो सम गेम इज अ रियलिस्ट एंगल, विन विन गेम इज अ लिबरल एंगल। जीरो सम गेम रिलेटिव गेन्स की बात करेगा, जबकि विन विन गेम एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेगा। जीरो सम गेम रिलेटिव गेन्स की बात करेगा, विन विन गेम एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेगा। अब जीरो सम गेम का मतलब क्या है? राफिया बेटा, मैं मुआयदा करूं लेकिन क्या रिलेटिवली मेरा ज्यादा बेनिफिट होगा या कम? मुझे क्या इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है या कम बेनिफिट? जबकि एब्सोल्यूट गेम्स क्या होते हैं? ठीक है, विन विन गेम क्या होती है कि सारों को इक्वल बेनिफिट हो, एवरीथिंग और नथिंग। क्लियर हो गया? एवरीथिंग या नथिंग, कहानी समझ आई? नहीं? अब स्टेट्स, ठीक है, जीरो सम गेम होता है मेरा बच्चा नवाज शरीफ की पॉलिसी, अकेला मैं खाऊंगा, और विन विन गेम होता है जरदारी की पॉलिसी, साइन तुम भी खाओ मैं भी खाता हूं, डन। अब मेरे बहनों भाइयों, होता क्या है कि मेजॉरिटी स्टेट्स क्योंकि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को ऑपरेट करती हैं, तो वो ग्लोबल कोऑपरेशन के फोरम पे चली तो जाती है, लेकिन वहां पे जीरो सम गेम के गिर्द ऑपरेट करती है, वहां पे जीरो सम गेम के गिर्द ऑपरेट करती है। क्या नहीं समझ आई? नहीं? ठीक हो गया? यानी वो बजाय सारी स्टेट्स के इक्वल बेनिफिट की बजाय अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। तो जहां पे भी जीरो सम मेंटेलिटी आ गई, ऑटोमेटिकली वहां पे मसले बढ़ जाए। डन हो गया? गेम थ्योरी समझ आ गई कि हाउ जीरो सम मेंटेलिटी। ठीक है, तो वीटो क्या है? जीरो सम एग्जेक्टिव पावर्स क्या है? जीरो सम। क्लियर हो गया? जीरो सम समझ आ गया? वो आया या नहीं आया? अच्छा जी, आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है प्रिजनर्स डायलेमा। आखिरी चीज क्या है? प्रिजनर्स डायलेमा। ठीक है, एक एनालॉजी के तौर पे मैं समझाता हूं प्रिजनर डायलेमा। तारिक और मैं दोस्त हैं, लेकिन हम किसी अच्छे काम के दोस्त नहीं है, हम अकम्प्लिस हैं, हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं। हम किसी अच्छे काम के दोस्त नहीं हैं, हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं। डन हो गया मेरा बच्चा? हम बुरे कामों में एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है, अब प्रिजनर डायलेमा क्या कहता है कि चोरों की यारी, अकम्प्लिस पार्टनर्स इन क्राइम की यारी
तब तक होती है जब तक कोई एक चोर पकड़ा नहीं जाता। जब एक चोर पकड़ा जाएगा तो वो खुद रोड पे निकलेगा, ऊंचा ऊंचा कहेगा मुझे क्यों निकाला, और साथ ही कहेगा ये कैसा यक तरफा एहतसाब है जो सिर्फ मियां साहब का हो रहा है, जरदारी भी तो चोर है। क्लियर हो गया? तो चोरों की यारी उस रोज तक होती है जब तक कोई एक चोर पकड़ा नहीं जाता। अब शीजा बन गई पुलिस ऑफिसर, मैं और तारिक हैं पार्टनर्स इन क्राइम, ठीक है, हम जुर्म करते हैं, इकट्ठे करते हैं। एक रोज हम कहीं पे कोई कार्रवाई कर रहे थे, कोई क्राइम कमिट कर रहे थे। अब अपनी अपनी तौफीक और अकल की मुताबिक, ठीक है, अपनी अपनी तौफीक और अकल के मुताबिक कार्रवाई खुद अज्यूम कर लो, ठीक है, कि शिजा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्लियर हो गया? अब शीजा सबसे पहले क्या करेगी, हमारे दरमियान चेन ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ेगी। शीजा बेटा डन, ये सबसे पहले क्या करेगी, हमारे दरमियान चेन ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ेगी और हमें टेम्प्ट करेगी, ठीक है। तारिक के पास जाके कहेगी कि तारिक तू मुझे कोई शरीफ आदमी लगता है, तुझे इस बंदे की जुबान बड़ी चलती है, तुझे जरूर इसने वरगलाया होगा, तू ऐसा कर के तू इसके खिलाफ बयान दे दे, मैं तुझे सुबह बचा लू। मुझे आके कहेगी, ठीक है हसन साहब आप तो कोई पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, वो तो शक्ल से ही दूष है, वो तो शक्ल से ही डंगर है, ठीक हो गया, जरूर उसने आपको बुरे कामों पे लगाया होगा, आप उसके बारे में, ठीक है, बयान दे दें, मैं सुबह आपको बचा लूंगी। यानी शीजा हमारे साथ खेलेगी डिवाइड एंड रूल, गुड कॉप बैड कॉप खेलेगी, ठीक हो गया। अब क्योंकि हम दोनों प्रिजनर डायलेमा के अंदर ट्रैप्ड है, तो तारिक सोचेगा कि ये ना हो कि मैं कह दूं कि हसन भाई ने कुछ नहीं किया, और हसन भाई की जैसी सेहत है, उन्हें दो चुपेड़े पड़ी, वो सब कुछ कहेंगे कि सब कुछ तारिक ने किया, तो सारा मुद्दा मेरे ऊपर आ जाएगा, मुझे मैक्सिमम सजा मिलेगी, हसन भाई पूरे के पूरे बच जाएंगे। डन सुल्तान, मैं सोचूंगा कि ये ना हो मैं कहूं तारिक ने कुछ नहीं किया, तारिक जैसा शरीफ लड़का तो सफाई हस्ती ने देखा ही नहीं, और तारिक, ठीक है, पूरे का पूरा इल्जाम मेरे पे डाल दे, तो मैं मैक्सिमम सजा अचीव करूं, तारिक बच जाए। तो हम दोनों प्रिजनर मेंटेलिटी की वजह से सोचेंगे कि साला कोई ऐसा बयान देता हूं कि पूरा मुद्दा मेरे पे ना आए, ठीक हो गया, मेरी कोई ना कोई बचत हो जाए, और यही सोच रखेगा तारिक, हम दोनों ऐसे बयान देंगे कि दोनों चुप रहे, दोनों बचते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पे फुल ओनस डाल दें, दोनों मुकम्मल फंसते हैं, तो हम ऐसा मिला जुला होम्योपैथिक किस्म का जवाब देंगे कि ना हम कंप्लीट बचेंगे ना हम कंप्लीट फंसेंगे, ठीक है, हमें आधी आधी सजा हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन तजादाद इन बयानात। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिजनर डायलेमा। ये कहता है कि भाई डिप्लोमेसी के अंदर स्टेट्स के दिमाग में प्रिजनर डायलेमा प्रिवेल करता है। पाकिस्तान कहता है ये ना हो पाकिस्तान एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर दे, इंडिया ना करे, हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करना पड़े, इंडिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाता रहे, और ये बात इंडिया सोचती है, तो एब्सोल्यूट गेम देखने की बजाय दोनों प्रिजनर मेंटेलिटी की वजह से एनपीटी को साइन नहीं करते। चाइना सोचता है कि ये ना हो कि मैं क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर दूं, अमेरिका ना करे, अमेरिका सोचता है ये ना हो कि मैं क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर दूं, ठीक है,
वो ना करे तो ऑटोमेटिकली दोनों क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं करते, ठीक हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी डायलेमा, यही चीज प्रिज्नर डायलेमा सिक्योरिटी डायलेमा को जन्म देती है, यही प्रिज्नर डायलेमा ही सिक्योरिटी डायलेमा को जन्म देती है, ठीक है ठीक है। पाकिस्तान सोचता है ये ना हो कि मैं अपनी आर्म्स ना बढ़ाऊं, मैं अपनी वेपनाइजेशन को इनहांस ना करूं, इंडिया अपने वेपन्स बढ़ाता रहा है, कल को इंडिया हम पे हमलावर हो जाए, हमारे पास वेपन ही ना हो, तो ये कहेगा मर्दे मोमन मर्दे आग छिप के रख छिप के रख। उधर इंडिया ये सोच रहा होगा ये ना हो कि मैं तो छोटा भाई समझ के पाकिस्तान को बख्श दू, वो सलाह के चलाए मेरी पीठ के अंदर वॉर, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले मैच मिल जाए, तो ये कहता है कोऑपरेशन हमेशा इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि डिप्लोमेटिक टेबल के अंदर स्टेट्स प्रिज़नर डायलेमा की वजह से आती है, ठीक हो गया। अब तीनों चीजों को लिंक करो, थ्री थिंग वुड क्रिएट बैरियर्स इन वे ऑफ कोऑपरेशन एंड दैट वुड लीड टू द फेलियर ऑफ कोऑपरेशन। वन, अकोमोडेशन ऑफ फ्री राइडर्स। नंबर दो, जीरो सम मेंटेलिटी। और नंबर थ्री, प्रिजनर डायलेमा इन डिप्लोमेसी। जहां पे भी ये तीन चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली दैट वुड सर्व एज अ बैरियर टू दी कोऑपरेशन। डन हो गया मेरा बच्चा? अगर डन हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए, ठीक है मेरे बहनों भाइयों। मैंने तुम लोगों को हर तरीके से मैंने तुम लोगों को करवा दी, ठीक है, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। आई होप सो तुम सारों को ये चौकस हो गया। चौकस है, मैंने कंप्लीट करवा दिया। जी 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 जी, और समझ आ गया राजा जी विली चुकसो। लिबरलिज्म का मॉडल क्लियर हो गया, आइडियलिज्म का मॉडल क्लियर हो गया। चलो 10 मिनट की ब्रेक है।
जी क्लास में आ गए सारे? सॉरी, मेरा कोई लैपटॉप इशू कर गया था, नेट इशू कर गया था, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आ गए सब लोग? अच्छा जी बच्चों, अब हम एक चीज छोटी सी डिस्कस करने लगे, और दो हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमने फिर भी उसे डिस्कस करना है, ठीक है। एक थ्योरी है आप लोगों की नियो रियलिज्म, एक थ्योरी है आप लोगों की नियो लिबरलिज्म। ऐसा ही है, नियो थ्योरीज दो हैं, एक है नियो रियलिज्म और एक है नियो लिबरलिज्म, ठीक है। अब जब नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म को इन कंपेरिजन देखा जाता है तो उसे कहा जाता है नियो नियो डिबेट, ठीक है। जब दोनों थ्योरीज को इन कंपैरिजन देखा जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, वो कहलाती है नियो नियो डिबेट। डन हो गया? ठीक हो गया। अब इसके लिए रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 69 टू 72, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 69 टू 72। अब मेरे बहनों भाइयों, तेजी से हम ये कंपैरिजन बिल्ड कर लेते हैं, ठीक। अब नियो रियलिज्म की अजम्पशन भी है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, नियो लिबरलिज्म की अजम्पशन भी है इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन नियो रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में अगर आप कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो आपको अपनी नेशनल पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। चुनाची आप लोगों को अपने रिलेटिव गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, कोऑपरेशन मुमकिन भी है और कोऑपरेशन हर किसी को ओवरऑल बेनिफिट करती है, कोऑपरेशन हर किसी को ओवरऑल बेनिफिट करती है। तो दोनों बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक कहता है कि इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर में अगर आप कोऑपरेशन में जाएंगे तो आपको अपनी नेशनल पावर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, आप लोग कोऑपरेशन करेंगे तो ये सारे लोगों के म्यूचुअल बेनिफिट के अंदर है, आपको एट द एंड ऑफ द डे गेम्स ही होंगी, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अगली चीज, नियो रियलिज्म का फोकस ऑफ स्टडी है, नियो रियलिज्म का फोकस ऑफ स्टडी है हाई पॉलिटिक्स। हाई पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि वो मिलिट्री, सिक्योरिटी, डिफेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इन तक महदूद है, जबकि नियो लिबरल्स का फोकस ऑफ स्टडी है लो पॉलिटिक्स। लो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? ये ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, ट्रेड, ठीक हो गया, वीजा लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंजेस, इन तरह की बात करूंगी। तो जब बड़े बड़े चौधरियों की, फंडों की बात होगी तो नियो लिबरलिज्म, जब छोटी छोटी होम्योपैथिक लेवल की कोऑपरेशन ट्रेड की बात होगी तो न्यू लिबरलिज्म, ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी रफिया बेटा? यहां तक कंपैरिजन क्लियर हो गया? अब फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में, फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में, ठीक है, नियो रियलिस्ट की सारी फॉरेन पॉलिसी बन रही है अराउंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी में वॉर, सिक्योरिटी, डिफेंस, वेपन्स, मिलिट्री, आर्म्स, रेस, ये डोमिनेट करेगा, जबकि नियो लिबरल्स की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है, डोमिनेट करेगा ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड, वीजा लिबरलाइजेशन, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होगी, ठीक है। नियो रियलिस्ट का फॉरेन पॉलिसी टूल होगा इगोइस्टिक मैक्सिमाइजर, यानी वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे शेप देंगे कि उन्होंने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना एट कॉस्ट ऑफ एनी अदर, जबकि नियो लिबरल्स का फॉरेन पॉलिसी टूल क्या होगा? डायलॉग फॉर कोऑपरेशन, यानी ये कहेंगे कि भाड़ में क्या डायलॉग, ये लोग नियो लिबरल लोग अपनी कोऑपरेशन को इनहांस करने के लिए डायलॉग पे बिलीव करेंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही आगे चलते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में नियो रियलिस्ट कहते हैं कि या तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पे लगाते हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ते हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना भी है, आपने इंस्टीट्यूशन कोई ज्वाइन करना भी है, तो सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे आप रिलेटिवली ज्यादा गेन कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका कहेगा मैं वीटो पावर के अंदर जाऊं, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, और आपकी फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल टूल होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट ही मल्टीलेटरल पॉलिसीज या मल्टीलेटरलिज्म के जरिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहिए, ठीक हो गया। नियो रियलिस्ट वॉर के ऊपर या तो डिस्कशन करते ही नहीं है, नियो रियलिस्ट वॉर के ऊपर या तो डिस्कशन करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो ये कहते हैं कि वॉर पीस को अचीव करने के लिए जरूरी है। वॉर इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स, और स्टेट को हमेशा वॉर की ऑप्शन को नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में इंटेक्ट रखना चाहिए। जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि वॉर सिर्फ तब होगी जब आपका इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोऑपरेटिव डिजाइन फेल हो जाएंगे, इनएफेक्टिव कोऑपरेटिव डिजाइन होंगे। तो बुनियादी तौर पे नियो रियलिस्ट वॉर को एक रैशनल टूल के तौर पे अज्यूम करते हैं, जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि वॉर हमेशा फेलियर ऑफ रैशनैलिटी है, फेलियर ऑफ सिस्टम है, वॉर कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती एज अ रैशनल टूल, ठीक है। अगली चीज, ठीक है, बुनियाद ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नियो रियलिस्ट जनरली डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई दुनिया के अंदर विन विन फलसफा नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के जरिए कुछ पावरफुल स्टेट्स अपनी पेनिट्रेशन कर रही है, यानी ग्लोबलाइजेशन भी इवन फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये ऑड फिनोमिना है, ये टिल्टेड फिनोमिना है, और ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल स्टेट को सपोर्ट करता है, ठीक हो गया। जबकि नियो लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ ऑल के अंदर है, ठीक है। जबकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर नियो रियलिस्ट का पूरे का पूरा एजेंडा ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कश्मीर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नेशनल एजेंडा, पॉपुलिस्ट मूव, नेशनलिज्म पे बेस करता है, जबकि नियो लिबरल्स का पूरा एजेंडा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, COVID-19, ग्लोबल इश्यूज पे बेस करता है। तो नियो रियलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट सेंटर्ड है, ठीक है, नेशनल पॉलिसीज के गिर्द घूमते हैं, जबकि नियो लिबरल्स ग्लोबल पॉलिसीज, ग्लोबल एजेंडा के गिर्द ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गया तुम लोगों का कंपैरिजन ऑफ नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, दिस इज नोन एज नियो नियो डिबेट। मैंने इसके अंदर तुम लोगों को, ठीक है, तकरीबन 10 एंगल से मैंने तुम लोगों को नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म करवा दी। अगर ये क्लियर हो गया, चौकस हो गया, तो मुझे ओके कॉल। नवाल बेटा मेरे साथ ये हरकत मत किया, मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं खेल रहा, स्लाइड तुम्हारी हेल्प के लिए, स्लाइड तुम्हारे छापे के लिए नहीं। चलूं आगे बच्चों, नियो नियो डिबेट क्लियर, ठीक है। अच्छा कामिल, हमारी फर्स्ट ग्रेड डिबेट, थर्ड ग्रेड डिबेट मुकम्मल हो गई, हमारी फर्स्ट ग्रेड डिबेट, थर्ड ग्रेड डिबेट मुकम्मल हो गई, डन हो गया मेरा बच्चा। अब देखो मेरी बात अरसलान, गौर से जरा सुनो अरसलान, मेरी बात को गौर से सुनना मेरी जान। देख, आईआर के अंदर जो तीन सबसे डोमिनेंट थ्योरीज आज के दौर में कंसिडर की जाती है ना, वो है नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म,
दीज आर कंसिडर्ड द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर कंसिडर्ड द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डायमेंशंस ऑफ आया. अरसलान ये आर्गुमेंट समझ आ गया, ठीक हो गया. अब मुझे बताओ नियो थ्योरीज किस लेवल की थ्योरीज हैं? स्टेट लेवल की थ्योरी. अब बच्चों इधर ध्यान करो शहबाज, एक थ्योरी है नियो रियलिज्म, एक थ्योरी है नियो लिबरलिज्म. डन हो गया. ये एक थीसिस है, ये एक एंटीथीसिस है. रबिया मैं तेरे पे कुर्बान जाऊं. नियो रियलिज्म एक थीसिस है, नियो लिबरलिज्म एक एंटीथीसिस है. ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है. डन हो गया, ऐसा ही है. तो इनके दरमियान कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो राफिया बेटा जो इन दोनों के दरमियान सिंथेसिस है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिविज्म. ये लहदाबाद के कंस्ट्रक्टिविज्म फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑफ आईआर की थ्योरी. इनके दरमियान जो सिंथेसिस है. अब अगर नियो रियलिज्म स्टेट लेवल की थ्योरी है, नियो लिबरलिज्म स्टेट लेवल की थ्योरी है और कंस्ट्रक्टिविज्म इन दोनों के दरमियान सिंथेसिस है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म भी किस लेवल की थ्योरी होगी? ये भी स्टेट लेवल की थ्योरी होगी. डन. ये भी स्टेट लेवल की थ्योरी होगी. ठीक है सोनी बेटा, फोर्थ ग्रेड डिबेट राफिया और चीज है. ठीक है, फोर्थ ग्रेड डिबेट ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन ऑफ थर्ड ग्रेड डिबेट के अंदर आ रही है ना. इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर कोई भी पिलर हो सकता है. जैसे राफिया इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर फेमिनिज्म ये कहती है कि इंटरनेशनल सोसाइटी का जेंडर का एलिमेंट सबसे डोमिनेट करेगा. क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट मार्केट का एंगल सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा. पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है कि मीडिया इंटरनेशनल सोसाइटी का वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है. कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है कि स्टेट ही इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट फैक्टर के तौर पर ऑपरेट करता है. यानी इंटरनेशनल सोसाइटी का यह मतलब है कि, क्लियर हो गया. अब क्योंकि ठीक है ये तीन मेन थ्योरीज है ना रफिया, तो अक्सर औकात कंस्ट्रक्टिविज्म को थर्ड थ्योरेटिकल पैराडाइम भी बोला जाता है. कंस्ट्रक्टिविज्म को थर्ड थ्योरेटिकल पैराडाइम भी बोला जाता है. ये बात समझ आ गई? कंस्ट्रक्टिविज्म को थर्ड थ्योरेटिकल पैराडाइम भी बोला जाता है. तो फर्स्ट थ्योरेटिकल पैराडाइम क्या हो जाएगा? नियो रियलिज्म. सेकंड थ्योरेटिकल पैराडाइम क्या हो जाएगा? नियो लिबरलिज्म. थर्ड थ्योरेटिकल पैराडाइम क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिविज्म. और ये ऑटोमेटिकली जो नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म है उसके दरमियान ठीक है जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सट्रीम एंगल है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है कंस्ट्रक्टिविज्म फोर्थ ग्रेड डिबेट की थ्योरी. अगर यहां तक बात समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर मेरे बच्चों ठीक है रेफरेंस नोट करो, पार्ट वन चैप्टर टू पेज 83 to 88. पार्ट वन चैप्टर टू पेज 83 to 88. डन हो गया. पार्ट वन चैप्टर टू पेज 83 to 88. ठीक है नवाब, मेरी एक बात का जवाब दे. क्या नियो रियलिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल अनार्की को ओवरकम नहीं किया जा सकता, चुनाचे अनार्किक स्ट्रक्चर में स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पावर को बढ़ाए ताकि वो सेल्फ हेल्प के जरिए अनार्किक स्ट्रक्चर में अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सके? राबिया बेटा मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? जबकि
नियो लिबरल्स क्या कहते हैं कि एनार्की को खत्म किया जा सकता है थ्रू कोऑपरेशन। तो एक कहता है कि एनार्की को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, एक कहता है एनार्की को रिप्लेस किया जा सकता है। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है ना, यहां तक के आर्गुमेंट में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब राफिया बेटा मैं एक एनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, तूने उस एनोलॉजी से मुझे जवाब देना है। सुनी बेटा, मैं एक एनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, चाइना एट फेस हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त। और इंडिया एट फेस हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन। नाजिया, मैं हूं डीजी आईएसपीआर, आज दिन 12 बजे चाइना अगर एक मिसाइल का तजर्बा करेगा तो मैं एज अ DGISPR क्या ट्वीट करूंगा? या तो मैं सिरे से ट्वीट करूंगा ही नहीं, या मैं कहूंगा पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद मुबारक हो, ठीक है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी, ये ट्वीट करेंगे। दिन को 2 बजे इंडिया ने एक मिसाइल का तजर्बा किया तो ISPR क्या ट्वीट करेगा? ये खित्ते की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को, ठीक है, डिस्टर्ब करने की घनौनी साजिश है, ठीक हो गया, ये खित्ते में आर्म्स रेस को बढ़ाएगा, ये हमारे खिलाफ नंगा अग्रेशन करने का बहाना है, ठीक है, जानी इंतजार करो 48 घंटे के बाद, ले फिर आया जे गौरी। ठीक, अब नवाल मुझे एक बात जवाब दे कि चाइना का मिसाइल कुड़ियां बरसाता है और साथ पीछे बैकग्राउंड के अंदर गाना लगता है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। चाइना का मिसाइल भी वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इंडिया का मिसाइल भी वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। सुल्तान मेरे पास आता है राबिया, सुल्तान कहता है हसन भाई आपने यूनिवर्सिटी में वो लड़की देखी है? मैंने कहा देखी है। कहता है हसन भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा कमीने मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। कहता है हसन भाई कोई फिल्म चलाए ना मेरी उससे शादी हो जाए। मैं कहा यार तू तारिक, सुल्तान आम सा आदमी है, तू मिडिल क्लास का आदमी है, वो बड़ी अपर क्लास की है, वो बड़ी मॉडस्कॉर्ड है, फिलहाल तो तुझे उसकी लिपस्टिक नजर आ रही है, उसके ठीक है मेकअप शुदा गाल नजर आ रहे हैं, लेकिन तू उसके साथ शादी के अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर सकेगा, तेरी अम्मा कहेगी रोटियां बना, ठीक है, वो रोटियां नहीं बना सकती, ठीक है, हो गया, तो तेरी उसके साथ नहीं चल सकेगी। ये कहेगा नहीं नहीं हसन भाई, वो हसीना बिनते नूर, नशा शबाब में चूर, पुर मखमूर, चेहरे पर नूर, बा तमकीन बा सरूर, सोमो सलाह की पाबंद, ठीक है, इसे आग लगी हुई थी, इसे आग लगी हुई थी, मैं गया, मैंने इसके माँ बाप के पैरों को हाथ लगाया, उस लड़की के घर गया, उसके माँ बाप के पैरों को हाथ लगाया, इसकी शादी करवा दी। शादी के 3 महीने के बाद आया, मुझे कहता है हसन भाई वो एक चुड़ैल है, वो एक डाइन है, वो एक वैम्पायर है, वो एक खून चूसने वाला दरिंदा है, ठीक हो गया, मैंने उसे गलत समझा था, ठीक हो गया, उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, मैं ड्रोन बन गया हूं, मैं हूं तो आपके पास लेकिन मेरी दो डोरे किसी और के पास है। तो राफिया बेटा बंदा तो नहीं बदला, बंदे के बारे में सोच बदली, ऐसा ही है, वो पहले भी चुड़ैल थी, वो पहले भी डाइन थी, वो पहले भी नागन थी, कहीं समझ आई या नहीं है? सिर्फ उसके बारे में कंस्ट्रक्ट बदले। तो मसला राफिया मिसाइल में नहीं है, मसला राफिया उस लड़की में नहीं है, मसला उसके साथ जुड़ी हुई सोच में है, मसला उसके साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस में है, मसला आपके अपने आइडियल्स में है, मसला आपके अपने बिलीफ्स में है, ठीक है। चाइना मिसाइल चलाता है तो हर चीज ठंडी हवाओं का झोंका आता है, और इंडिया मिसाइल चलाता है तो तबाही आती है, ठीक है,
यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अब्दुल्ला अहमद के मुंह पे चुपेड़ मारी, मुझे आके कहता है हसन भाई फूल की तरह लगी, और शादी के बाद ये कहता है कि मुझे पानी ला दे। उस गरीब की बच्ची ने सिर्फ इतना कह दिया, मैं पानी नहीं ला के डाल सकती, तू ना मेरी मर्दानगी के ऊपर हमला किया, मुझे ना किया पानी नहीं ला के दिया। तो मसला तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही, सोच में बदला कहने समझ जाइए नहीं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया में ना ही कोई अनार्की फंडामेंटल है, ना ही कोऑपरेशन फंडामेंटल है, ना ही अनार्की दुनिया की रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, ना ही कोऑपरेशन दुनिया की, ठीक है, रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, बल्कि दुनिया के फिनोमिनास को सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर सकती है, और वो है स्टेट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये कहता है देयर इज नीदर अनार्की नॉर कोऑपरेशन, दुनिया में ना ही कोई अनार्की है ना ही कोई कोऑपरेशन है, देर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। दुनिया में ना ही कोई अनार्की है ना ही कोई कोऑपरेशन है, दुनिया की सिर्फ एक रियलिटी है और वो है कंस्ट्रक्ट। देर इज नीदर अनार्की नॉर कोऑपरेशन, देर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट है स्टेट के आइडियल्स, स्टेट के बिलीव्स, स्टेट की वैल्यूज, स्टेट के नॉर्म्स, स्टेट के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, चाइना के बारे में हमारे आइडियल्स क्या हैं? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हमारे बिलीव्स क्या हैं? वो हमें नोट दिखाएंगे। हमारी वैल्यूज क्या हैं? हमेशा उन्होंने हमारी मदद की। हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि भाई हमें इनकी जरूरत है। तो चाइना के बारे में हमारे कंस्ट्रक्ट हैं पॉजिटिव, तो हमें बीजिंग से कोऑपरेशन की, हमें बीजिंग से कोऑपरेशन की हवाएं आती हैं। ठीक हो गया? जबकि जबकि इंडिया के बारे में हमारे आइडियाज क्या हैं? हिंदू बनिया। बिलीव्स क्या हैं? दुश्मन। वैल्यूज क्या हैं? कमीना, घटिया, मूत्र विसर्जन। और एक्सपीरियंसेस क्या हैं? 65, 71, ठीक है, कश्मीर। तो हमें दिल्ली से हर कोई अनार्की की हवाएं आती हैं। तो ये कहता है कि देयर इज नीदर अनार्की नॉर कोऑपरेशन, दुनिया में ना ही कोई परमानेंट अनार्की है ना ही कोई परमानेंट कोऑपरेशन है, देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। जहां पे आपके कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव होंगे वहां पे आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी कोऑपरेशन या नियो लिबरलिज्म, या और जहां पे आपके कंस्ट्रक्ट नेगेटिव होंगे वहां के आपके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगी अनार्की। चुनाचे ये कहता है अनार्की या कोऑपरेशन कॉज नहीं है, अनार्की या कोऑपरेशन कॉज नहीं है, बल्कि अनार्की और कोऑपरेशन अफेक्ट है, कॉज है आपके अपने स्टेट कंस्ट्रक्ट। जहां पे ये कंस्ट्रक्ट होंगे पॉजिटिव वहां पे हर चीज कोऑपरेशन, ए रहमते तमाम तेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहाए शोक में घबरा के पी गया, और पीता तेरे बगैर कब थी मेरी मजाल, दरपर्दा हुस्ने यार की शहबा पे पी गया। कहीं समझ आई नहीं? जबकि जहां पे आपके कंस्ट्रक्ट होंगे नेगेटिव वहां पे आप कहेंगे मर्दे मोमिन मर्दे हक, छिक के रख। तो ये कहते हैं देर इज नीदर अनार्की नॉर कोऑपरेशन, अनार्की या कोऑपरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि अनार्की या कोऑपरेशन वेरिंग है बेस्ड अपॉन स्टेट कंस्ट्रक्ट, और स्टेट के कंस्ट्रक्ट हैं स्टेट की आइडिया, स्टेट के बिलीफ, स्टेट की वैल्यू, स्टेट के नॉर्म्स और स्टेट के एक्सपीरियंसेस। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट चोकस हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, कंस्ट्रक्टिविज्म को बेस्ट पढ़ने का तरीका कार क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ने का बेस्ट तरीका बच्चों, कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ने का बेस्ट तरीके कार ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन थीसिस को डिस्कस कर दो।
मेन थीसिस लाइंस को डिस्कस कर दो। तो इसका पहला थीसिस तो मैं तुम लोगों को बता चुका, देयर इज नीदर एनार्की नॉट कोऑपरेशन, देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। नंबर दो अरसलान, इसकी दूसरी थीसिस लाइन है कि एनार्की इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, कीकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। राफिया अहमद यूनिवर्सिटी में उसके साथ बैठ के चाय पीता था, कॉफी पीता था, ठीक है, उसकी जुल्फों की तारीफ करता था, कहता था साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कहानी समझ आई या नहीं आई? तो इसकी इन दोनों की प्रैक्टिसेस क्या थी? जिंदगी खुशगवार होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, माहौल होगा हमेशा वो उतनी पतली रहेगी, कमर कभी कमरा नहीं बनेगी, ठीक हो गया। तो इसकी प्रैक्टिसेस में क्या था? कोऑपरेशन, माहौल, कुपियां टुन, शादी हुई अरसलान, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस में क्या आ गया? बच्चे, पैंपर, सास, फुफियां, आणियां, जानियां, फड्डे, भांडे, कली, करालो, ठीक हो गया। डिश्कियां, 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 तुमने मेरी माँ को ये क्यों बोला। तो ये कहता है कि अनार्की इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। अभी अहमद का डिश्कियां इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिस ही डिश्कियां कर रहे हैं। अभी वो चुड़ैल नागन सपेरी इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिस ही नागन चुड़ैल वाली कर रहा है। और यूनिवर्सिटी में वो हूर, फाख्ता, परी, ठीक है, हसीना बिनते नूर क्यों थी? क्योंकि ये प्रैक्टिस ही माहौल कुपियां टून कर रहा था, ठीक है। हमने 1947 के साथ इंडिया के साथ क्या प्रैक्टिस किया? अनार्की, तो की करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। धन हो गया। डन हो गया। तो राफिया, राफिया, अगर अहमद यूनिवर्सिटी के अंदर उसके साथ प्यार की पींगे डाल सकता था तो आज भी तो डाल सकता है ना। आज भी तो दोनों अपने जोम से, अपनी अनार से निकल सकते हैं ना। आज भी दोनों झुक सकते हैं। तो आज अगर ये अनार्की वर्ग की बजाय कोऑपरेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक हो गया, ये कहे कि भाई देख, ठीक है, ये कहे कि भाई देख, जितने भी घर बड़े बड़े फैसले हैं वो मैं लूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं, और जितने भी छोटे छोटे फैसले हैं वो तू ले। तो अमेरिका को चाइना पे हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा, और बच्चों ने किस स्कूल में पढ़ना है ये तू डिसाइड करेगी, ठीक हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं, मैंने बड़े बड़े फैसले करने, और मैं हमारे बच्चों की शादी कहाँ होगी ये तू डिसाइड करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है, और मेरी बहनों के साथ कोई ताल्लुक रखना है या नहीं रखना ये तू डिसाइड करेगी। तो छोटे छोटे काम सारे बेगम करेगी, बड़े बड़े काम सारे अहमद करेगा। डन हो गया। तो अगर आज भी ये कोऑपरेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, आज भी कोऑपरेशन आ सकती है मेरे बहन भाइयों, ठीक है। ये कहता है कि अनार्की इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। इफ योर प्रैक्टिसेस कन्वर्ट इनटू कोऑपरेटिव डिजाइंस, दिस अनार्की कैन बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन। डन हो गया मेरा बच्चा। डन हो गया मेरा बच्चा। अगली चीज, ठीक है। ये कहता है अनार्की इज व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट, यानी अनार्की हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करेगी। अनार्की इज व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट, ठीक। अब देखो, अहमद की बेगम आज बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है।
अहमद की बेगम, ठीक है, ने आज इसे बिरयानी खिलाई, लेकिन इसे याद आता है कि साला पिछली दफा जब मेरी ऐसी खिदमत हुई थी तो मुझे 50,000 का टीका लगा था, खाड़ी पे सेल थी, निशात लेलन पे सेल थी, आइडियाज बाय गुल अहमद पे सेल थी, ठीक है, एथनिक फैब्रिक्स पे सेल थी, तो इसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहते हैं कि भाई धोखा। तुमको क्या लगता है साहब? मुझे तो धोखा लगता है। ठीक हो गया। तो ये कहता है कि भाई अगला कोऑपरेटिव डिजाइन को, ठीक है, मेंशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी इसके एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि भाई कोई तूफान का पेश खेमा है, कोई तूफान का पेश खेमा है। कहानी समझ आई या नहीं? है तो ये कहता है कि एक स्टेट किस चीज को अनार्की समझ रही है, एक स्टेट किस चीज को अनार्की समझ रही है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के एक्सपीरियंसेस पे, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के एक्सपीरियंसेस पे। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के रेफरेंस से पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव रहे हैं तो वो जो मर्जी बिहेव करेगी हम उससे फिगर आउट करेंगे कोऑपरेशन। ये पॉइंट समझ आ गया? और अगर एक स्टेट के साथ आपकी प्रैक्टिसेस, ठीक है, नेगेटिव रही हैं तो आप उसके हर एक्ट को फिगर आउट करोगे, ठीक है, फिगर आउट करोगे एज अनार्की। राफिया बेटा ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, ठीक है बच्चों, एक साइड पे है इंडिया, एक साइड पे है चाइना, एक साइड पे है इंडिया, एक साइड पे है चाइना, ठीक है, प्लीज, एक साइड पे है इंडिया, एक साइड पे है चाइना। हाँ राइट आयशा, राइट। अब बात जरा समझनी। ये कहता है कि भाई नियो रियलिज्म कहेगा कि इंडिया और चाइना को हमेशा अनार्की के एंगल से देखो, जबकि लिबरलिज्म कहेगा कि इंडिया और चाइना को हमेशा कोऑपरेशन के एंगल से देखो। ठीक हो गया? यानी रियलिज्म कहता है कि दुनिया की आइडेंटिटी ही अनार्की है, लिबरलिज्म कहता है कि दुनिया की आइडेंटिटी ही पॉसिबल कोऑपरेशन, लेकिन यह कहता है कि एक स्टेट की आइडेंटिटीज अनार्की, कोऑपरेशन या किसी भी अजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। यानी हमारी पाकिस्तान की दुनिया के बारे में क्या सोच है, दुनिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर डिटरमिन नहीं करेगा, ये हमारा इंटरेक्शन डिटरमिन करेगा। तो चाइना के साथ हमारा इंटरेक्शन क्या रहा है? कोऑपरेटिव। इंडिया के साथ हमारा इंटरेक्शन क्या रहा है? कन्फ्लिक्चुअल। तो इंडिया को हम देखेंगे फ्रॉम द लेंस ऑफ रियलिज्म और चाइना को हम देखेंगे फ्रॉम द लेंस ऑफ लिबरलिज्म। तो यह कहता है कि भाई केनेथ वॉल्ट्स हमारी आइडेंटिटीज को शेप नहीं दे सकता, उसका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का मॉडल हमारी आइडेंटिटीज को शेप नहीं दे सकता, ठीक है, और ठीक है इमैनुअल कांट हमारी आइडेंटिटीज को शेप नहीं दे सकता, बल्कि हमारी आइडेंटिटीज को शेप देगा हमारे अपने इंटरेक्शन। जहां पे ये इंटरेक्शन पॉजिटिव होंगे वहां पे होगा कोऑपरेशन, जहां पे ये इंटरेक्शन नेगेटिव होंगे वहां पे होगा कॉन्फ्लिक्ट। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये पूरे का पूरा आर्गुमेंट समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के आखिरी कंपोनेंट पे आने लगा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, सज्जाद, सज्जाद, पाकिस्तान एक स्टेट है से ज्यादा, मेरी बात समझिए जरा,
सजात, पाकिस्तान एक स्टेट है, तो पाकिस्तान दुनिया से आइसोलेशन में रहेगा या दुनिया से इंटरेक्ट करेगा? करेगा, इंटरेक्ट करेगा। नवाल, जब इंटरेक्ट करेगा तो पाकिस्तान अपना एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम डिजाइन देगा कि हमने इंटरनेशनली दुनिया के साथ कैसे, किस सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना है। पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल वेब, एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन, एक इंटरनेशनल इंटरेक्टिव मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होगा। सोनी बेटे, राफिया होगा। अब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कहते हैं कि, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि एक स्टेट का इंटरनेशनल सिस्टम इज शेप्ड बाय आइट्रेटिव लूप ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। सुनिए, ये पूरा जुमला लिख ले। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज शेप्ड बाय आइट्रेटिव लूप ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्ट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज शेप्ड बाय आइट्रेटिव लूप ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्ट्स। हो गया? ये आर्गुमेंट समझ आ गया? अब सोनी, इस पूरे मॉडल को जरा समझना। सोनी, इस मॉडल को पूरे का पूरा समझना। राफिया, जब पाकिस्तान बना तो हमारे बुजुर्गों के कोई आइडियल्स थे, हाँ या ना? पाकिस्तान को कैसे चलाना है, पाकिस्तान दुनिया में क्या रोल अदा करेगा, पाकिस्तान किससे इंटरेक्शन रखेगा, किससे इंटरेक्शन नहीं रखेगा, ठीक है, इसराइल को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना, पाकिस्तान के बड़ों के कोई ना कोई आइडियल्स थे या नहीं थे? क्या हमारे बड़ों ने उन आइडियल्स की बुनियाद पे अपनी फॉरेन पॉलिसी, दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स, दूसरी स्टेट्स की रिकग्निशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के डिसीजन लिए? क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल हमने अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम शेप दिया, हाँ या ना? जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम एक इंटरनेशनल सिस्टम शेप देंगे। अब वो राफिया, हमने जैसा भी इंटरनेशनल सिस्टम अडॉप्ट किया, वो इंटरनेशनल सिस्टम हमने तो शेप दे दिया, हमें लगा कि ये चीज बिल्कुल हमारे लिए ठीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा, हमें कोई ना कोई रियलिटीज का सामना करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई रियलिटीज एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अब अगर तो वो रियलिटीज हमारे आइडियल्स के साथ मैच करती हैं, तो सानी बेटा, हमारे वो आइडियल्स रीइन्फोर्स होंगे। और अगर वो रियलिटीज हमारे आइडियल्स के साथ मैच नहीं करती, तो हम अपने आइडियल्स को रिवाइज करेंगे। डन हो गया? उन रीइन्फोर्स्ड या रिवाइज्ड आइडियल्स की बुनियाद पर हम अपना इंटरनेशनल सिस्टम, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना इंटरेक्शन शेप देंगे, और रियलिटीज आएंगी, ठीक है, वो रियलिटीज आपको आइडियल्स को रीइन्फोर्स या रिवाइज करने में मदद देंगी, नए आइडियल्स या मोर स्ट्रेंथन आइडियल्स आएंगे, ये आइट्रेटिव लूप ऑफ कंस्ट्रक्ट चलता जाएगा। आइट्रेटिव होता है फीडबैक सिस्टम। कहानी समझ आई या नहीं आई? फीडबैक सिस्टम ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल दे के समझाऊं। अब राफिया बेटा, जब पाकिस्तान बना तो दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी, हाँ ना? पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थी कि पाकिस्तान कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, या पाकिस्तान आइसोलेशनिस्ट हो जाए, वो नॉन अलाइंड हो जाए। सबसे पहले हमारे बड़ों को दावतनामा मिला, ठीक है, सोवियत यूनियन से। लियाकत अली खान को कहा, जानी या
उन्होंने कहा ना। उन्हें दूसरा मैसेज मिला जानिया, उन्होंने कहा ना। उन्हें तीसरा मैसेज मिला जानिया, उन्होंने कहा ना। क्योंकि उनके आइडियल्स थे कि हमें प्रो वेस्ट होना है, हमें लिबरल इकोनॉमी को फॉलो करना है, हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करना है, हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनना है, ठीक हो गया, हमने लिबरल इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करना है। तो इस आइडियल की बुनियाद पे चाइना ने अमेरिका ने हमें हल्का सा कहा जानी, हम भागे भागे गए, हम चाइना की गोद में बैठ गए, हमने सीटो ज्वाइन कर लिया, हमने सेंटो ज्वाइन कर लिया, क्लियर हो गया। तो हमने अपने इंटरनेशनल सिस्टम को प्रो कैपिटलिस्ट डिजाइन कर लिया, डन हो गया। हीरा जब अमेरिका का मतलब हो गया, पूरा हो गया, तो उसने हमें हमारी गोद से कहा जानी उठ, हम उठ गए। उसने कहा जानी मुड़, हम मुड़ गए। उसने पीछे से मारा ठुड्डा। तो पता चला रियलिटी में हमारे आइडियल्स तो फ्लॉप हो गए। तो हमने कहा कि यार अब सोवियत यूनियन को कहो जानी बुला, ठीक है। उसने नहीं बुलाया, कुछ अरसा गुजरा, हमें ने सबक नहीं सीखा, अमेरिका को दोबारा मतलब पड़ा, ठीक है। अमेरिका ने कहा जानी आ, हम फिर गए। उसने कहा जानी बैठ, हम बैठ गए। उसका मतलब पूरा हुआ। उसने कहा जानी उठ, हम उठ गए। उसने कहा मुड़, हम मुड़ गए, फिर ठुड्डा, ठीक है। तो वक्त ने साबित किया कि अमेरिका के बारे में हमारे जितने आइडियल्स हैं वो कभी भी पूरे नहीं हुए। हमें प्रो सोवियत होना पड़ेगा, हमें प्रो रशिया होना पड़ेगा, हमें प्रो रशियन चाइनीज नेक्सस के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा। कहानी समझ आई या नहीं है? तो ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज शेप्ड बाय आइट्रेटिव लूप ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्ट्स। अब इसे सऊदी अरब के साथ लिंक कर लो, ईरान के साथ लिंक कर लो। इमरान खान की हुकूमत क्यों ईरान के साथ थोड़ा थोड़ा प्यार की पींगें बढ़ा रही है, जिसकी वजह से रियाद के साथ थोड़े थोड़े हमारे डिस्प्यूट आ रहे हैं। बात समझ आई या नहीं है? ठीक हो गया। तो एक स्टेट कभी कांस्टेंट एनार्की या कोऑपरेशन पे ऑपरेट नहीं करती। एक स्टेट हमेशा, ठीक है, स्विंग करती है बिटवीन एनार्की एंड कोऑपरेशन, और वो स्विंगिंग होती है बेस्ड अपॉन इट्स ओन रीइंफोर्सिंग और रिवाइज्ड आइडियल्स, ठीक है, जो के शेप होते हैं बाय दी रियलिटीज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्टेट। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म का नैरेटिव 100% चौकस हो गया। चौकस हो गया तो मुझे ओके कॉल दीजिए। चलो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। आई होप सो आज की थ्योरी सारी की सारी कवर हो गई। आज की थ्योरी क्लियर है मेरे बच्चों? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।